मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कैनेडियन मईशत 2022 में तरक्की नहीं कर सकी। स्टैटिस्टिक्स कैनेडा के मुताबिक हाउसिंग सरमायाकारी में 11% से ज्यादा की कमी वाकई हुई। कैनेडा की सालाना अफराते जर की शरह जनवरी में 5.9% पर आ गई। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में बर्फानी तूफान का खतरा। माहिरीन का कहना है कि सूबे में 20 सेंटीमीटर तक बर्फबारी का इम्कान है। सूबे में जुमे और हफ्ते को शदीद बर्फबारी का इम्कान है। अमरीकी हाउस रिपब्लिकन्स ने कैनेडा अमरीका सरहद को हुकूमत पर तनकीद का जरिया बना लिया। रिपब्लिकन्स का कहना है कि कैनेडा अमरीका सरहद पर गैर कानूनी मंशियात और तारिकिन वतन को रोका जाए। दुनिया की सबसे तवील सरहद पर कौमी सलामती के खदशात लाहक हैं। तालिबान के ऑपरेशन में दाइश बरे सगीर के अमीर समेत 3 कमांडर्स मारे गए। सिफारती मिशंस और मसाजिद हमलों में मुलविस दाइश का अहम कमांडर हलाक कर दिया गया। जबीउल्लाह मुजाहिद का कहना है कि एजाज अमीन काबुल में सिखों की इबादत गाह में खुदकुश हमले का मास्टरमाइंड भी था। अमरीका में शदीद बारिशों और बर्फानी तूफान से रोज़मर्रा की ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर। कैलिफोर्निया में 1,26,000 से ज़ायद घर बिजली की सहूलत से महरूम। 2 करोड़ से ज़ायद अफराद को शदीद तूफान से खबरदार किया गया है। Laundry is no longer a hassle. Just toss an eco-fresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। लाइटो इमिग्रेशन इज ए रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। वी डील इन स्टडी, वर्क, पीएनपी एंड पीआर वीजास, गेट स्टार्टअप वीजास, वर्क परमिट एंड बिजनेस वीजास। वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। लाइटो इमिग्रेशन। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। स्टैटिस्टिक्स कैनेडा का कहना है कि कैनेडा की मईशत 2022 की आखिरी सैमाही में बिल्कुल भी तरक्की नहीं कर सकी। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। स्टैटिस्टिक्स कैनेडा का कहना है कि कैनेडा की मईशत 2022 की आखिरी सैमाही में बिल्कुल भी तरक्की नहीं कर सकी और दरअसल दिसंबर में सुकड़ गई। लेकिन मायूसकुन आदादोशुमार के नीचे मईशत को रवा दवा रखते हुए सार्फिन के अखराजात में लचक है। माहिरीन का कहना है कि सार्फ, जो कि कैनेडा की मईशत का असल इंजन है, अब भी निस्बतन बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहा है। अगरचे सहमाही के लिए तरक्की रुक गई, कैनेडियनों ने देखा कि उनकी डिस्पोजेबल आमदनी उनके बराए नाम अखराजात से ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, जिससे वो ज्यादा पैसे बचा सकते हैं। मौसम गर्मा में 8.1% की बुलंद तरीन शरह के बाद कैनेडा की सालाना अफराते जर की शरह जनवरी में 5.9% पर आ गई। बैंक ऑफ कैनेडा ने पेशगोई की है कि अफराते जर 2023 के वस्त तक 3% तक कम हो जाएगा और अगले साल 2% के हदफ पर वापस आ जाएगा। ये उम्मीद है कि अफराते जर तेजी से मौशी बदहाली के बगैर हदफ पर वापस आ सकता है। इसी वक्त मरकजी बैंक ने इस बात पर जोर दिया है कि कीमतों में मामूल की नमो की तरफ लौटना उसकी बुनियादी तवज्जो है, जो कि ज्यादा शदीद इक्तिसादी सुखड़ाव की कीमत पर आ सकता है। वफाकी एजेंसी ने कहा कि घरेलू बचत की शरह चौथी सहमाही में 6% थी, जो कि गुज़िश्ता सहमाही के 5% से ज़ायद थी। 3 माह की सुस्त रवि ने मुसलसल 5 सहमाहियों की तरक्की का खात्मा किया और ज़्यादातर कारोबारों और घरानों की जानिब से मुख्तलिफ किस्म की सरमायाकारी पर कम खर्च की वजह से हुआ। दिसंबर में कैनेडा की कुल इक्तिसादी पैदावार नवम्बर की सतह से 0.1% कम हुई। सालों की तेज़ रफ्तार तरक्की के बाद कैनेडा का
हाउसिंग सेक्टर गुज़िश्ता साल ड्रामाई तौर पर ठंडा हो गया, क्योंकि खरीदारों और मालकान ने बैंक ऑफ कैनेडा की शरह में इजाफे के रिकॉर्ड तरतीब देने वाली रफ्तार के असरात को हजम कर लिया। मजमूई तौर पर 2022 के लिए हाउसिंग सरमायाकारी में 11% से ज्यादा की कमी वाकई हुई। माहिरीन का कहना है कि जवाबी तौर पर कमजोर मौशी आदाद व शुमार कैनेडा के मरकजी बैंक के लिए खुशाइन खबर के तौर पर आ सकते हैं, जो मुल्क की अफरात ज़र की शरह को कम करने की कोशिश कर रहा है। कैनेडियन GDP पर ताज़ा तरीन रीडिंग्स बैंक ऑफ कैनेडा को अगले हफ्ते अपने वक्फे का दिफा करने की इजाज़त देगी, इस बात के मोतबर सबूत के साथ कि अफरात ज़र और मईशत सुस्त हो रही है। कैनेडियन सूबे ओंटारियो के कुछ हिस्से इस हफ्ते मुमकिन तौर पर एक और बर्फानी तूफान का सामना कर सकते हैं। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबे ओंटारियो के कुछ हिस्से इस हफ्ते मुमकिन तौर पर एक और बर्फानी तूफान का सामना कर सकते हैं। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक ये इम्कान बढ़ रहा है कि जुमे को एक तूफान पूरे खित्ते में फैल जाएगा। पूरे जनूबी ओंटारियो में 10 से 20 सेंटीमीटर तक बर्फ पड़ सकती है। माहिरीन मौसमियात का कहना है कि ऐसा लगता है कि रात में तेज हवाओं के साथ एक और मुमकिन तौर पर अहम बर्फानी तूफान हो सकता है। ये जानना अभी कबल अज वक्त है कि निचली सतह कैसे ट्रैक करेगी या तूफान कब टकराएगा, लेकिन तफसीलात आने वाले दिन मजीद वाज़ेह हो जाएंगे। एक बार फिर बर्फ के अलावा बर्फ के गोले और जमने वाली बारिश का इम्कान होगा। इतवार तक हालात में बेहतरी के साथ हफ्ते तक भी काबिल कदर बर्फबारी मुतवक्के है। एनवायरमेंट कैनेडा के मुताबिक जुमे को ओंटारियो से टकराने वाले इस तूफान का इम्कान ज्यादा है, लेकिन बर्फबारी की मजमूई तादाद अब भी गैर मुतवक्के है। अमरीकी हाउस रिपब्लिकन्स ने कैनेडियन अमरीकी सरहद से मुतालिक अमरीकी सदर को तनकीद का निशाना बनाया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी हाउस रिपब्लिकन्स ने कैनेडियन अमरीकी सरहद से मुतालिक अमरीकी सदर को तनकीद का निशाना बनाया है। अमरीकी हाउस रिपब्लिकन्स ने कैनेडा अमरीका की सरहद को अपने मुतासिबाना हथियारों के तौर पर इस्तेमाल किया है। सदर जो बाइडन पर जोर दिया कि वो न सिर्फ अमरीका की जनूबी सरहद बल्कि उसके शुमाली हिस्से में भी गैर कानूनी मंशियात और तारिकीन वतन के बहाव को रोकें। नई 28 रुकनी शुमाली सरहदी सलामती कॉकस की तवज्जो खसूसी तौर पर इस बात पर मरकूज है जिसे वो बुरी तरह से वसाइल से महरूम बड़ी हद तक कौमी सलामती की तशवीश का नाम देता है, जो कि दुनिया की सबसे तवील बैनुल अक्वामी सरहद है। यके बाद दीगरे नए बुलाए गए इतिहाद के अराकीन रिपब्लिकन सभी ने तस्लीम किया के रियो ग्रांडे के जनूब में बढ़ते हुए महाजरीन के बहरान के मुकाबले में शुमाली सरहद के खतरात हल्के पड़ गए हैं, लेकिन हालिया महीनों में सरहदी एजेंटों और अमरीकी कानूनी हैसियत से महरूम लोगों के दरमियान मुकाबलों की तादाद में मुसलसल इजाफा बताना है कि ये एक मसला है जो मजीद बदतर होता जाएगा। पेंसिल्वानिया के नुमाइंदे माइक कैली जो मोंटाना के नुमाइंदे रियान जिंके के साथ कॉकस के शरीक सदारत करते हैं ने कहा, यह तकरीबन ऐसा ही है कि अगर हम इसे नहीं पहचानते तो ये यहाँ नहीं रह सकते। कनाडा के लिए मखसूस तशवीश के मसाइल अक्सर कांग्रेस में ऑक्सीजन हासिल करने के लिए जद्दोजहद करते हैं, लेकिन इंतखाबी सोच रखने वाले रिपब्लिकन इमिग्रेशन फाइल पर कमज़ोर डेमोक्रेटिक सदर के खिलाफ पॉइंट स्कोर करने के लिए बेचैन है। शुमाली सरहद सियासी आग में ईंधन डालने का एक नया तरीका पेश करती है। नया कॉकस कनाडा में कांग्रेस की एक नई और गैर मामूली दिलचस्पी का इशारा देता है। ये मंगल को काफ़ी हद तक वाज़े था कि ग्रुप के सियासी नज़रियात को एक बहुत करीब तरीन हदफ पर तरबियत दी जाती है, जो कि पेंसिल्वानिया एवेन्यू के चंद ब्लॉक्स पर है। अक्टूबर से जनवरी तक माली साल 2023 के पहले 4 महीनों में US कस्टम्स और बॉर्डर प्रोटेक्शन ने ऐसे लोगों के साथ 55,736 वाकयात रिकॉर्ड किए जो कनाडा अमरीकी सरहद पर या उसके नज़दीक नाकाबिल कबूल समझे गए। तालिबान ने काबुल में सिफारती मिशंस और मसाजिद पर हमले करने वाले दाइश के अहम कमांडर को हलाक कर दिया। तालिबान के ऑपरेशन में दाइश बर्रगीर के सरबरा एजाज अमीन आहनगर समेत 3 अहम कमांडर्स मारे गए। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। तालिबान ने काबुल में सिफारती मिशंस और मसाजिद पर हमले करने वाले दाइश के अहम कमांडर को हलाक कर दिया। तालिबान के ऑपरेशन में दाइश बर्रगीर के सरबरा एजाज अमीन आहनगर समेत 3 अहम कमांडर मारे गए। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने रवां हफ्ते इंटेलिजेंस बुनियाद पर किए गए ऑपरेशन में दाइश खुरासा के अहम कमांडर्स को हलाक कर दिया, जबकि एक कमांडर को हिरासत में लेकर
असलहा और गोला बारूद भी तहवील में ले लिया गया। अफगानिस्तान के दारुलहकूमत काबुल में सिक्योरिटी फोर्सेज ने दाइश के खिलाफ ऑपरेशन किया। कार्रवाई में दाइश का इलाकाई इंटेलिजेंस और ऑपरेशंस चीफ कारी फातेह साथी समेत हलाक हो गया। तालिबान हुकूमत के तर्जुमान जबीउल्लाह मुजाहिद ने अपने बयान में बताया कि कारी फातेह काबुल में सिफारती मिशंस और मसाजिद पर हुए हमलों का मास्टर माइंड भी था। तालिबान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने काबुल में दाइश के अस्करी विंग के दो अहम कमांडर को हलाक कर दिया, जिसमें से एक कारी फतेह है जो अमीर अल हरब भी रहा और ऑपरेशन चीफ था। उन्होंने मजीद कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज के एक और ऑपरेशन में बरे सगीर पाक हिंद में दाइश ग्रुप का सरगना एजाज अमीन आहंगर भी दो दीगर दहशत गर्दों के साथ मारा गया। जबीउल्लाह मुजाहिद ने मजीद लिखा कि सिक्योरिटी फोर्सेज के एक और ऑपरेशन में बरे सगीर पाक हिंद में दाइश ग्रुप का सरगना 55 साल एजाज अमीन अलमारूफ अबू उस्मान अल कश्मीरी भी मारा गया, जो काबिल में सिखों की इबादतगाह में खुदकुश हमले का मास्टरमाइंड भी था। गुज़िश्ता साल जुलाई में अक़वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की एक रिपोर्ट में फातेह को दाइश का एक अहम रहनुमा करार दिया गया था, जिस पर भारत, ईरान और वस्ती एशिया में फौजी कार्रवाइयों का इल्ज़ाम आयद किया गया। दाइश गैर मुल्कियों, मजहबी अकलियतों और सरकारी इदारों पर हमले करते हुए तालिबान के हुक्मरानी के लिए सबसे बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज बनकर सामने आई है। दाइश ने दिसंबर में काबुल के एक होटल पर हमले की जिम्मेदारी कबूल की थी, जिसमें 5 चीनी शहरी जख्मी हुए थे, जबकि दिसंबर में भी इस ग्रुप ने काबुल में पाकिस्तानी सिफारत खाने पर हमला किया था। अमरीका में बर्फानी तूफान के बायस फिजाई सफर में रुकावटें और हजारों घरों को बिजली की फरहमी मुअत्तल हो गई, जबकि सैकड़ों स्कूल भी बंद हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीका में बर्फानी तूफान के बायस फिजाई सफर में रुकावटें और हजारों घरों को बिजली की फरहमी मुअत्तल हो गई, जबकि सैकड़ों स्कूल भी बंद हैं। महकमे मौसमियात ने मजीद बर्फबारी और तूफानी हवाओं की पेशगोई की है। अमरीका की मगरबी रियासत कैलिफोर्निया में शदीद बारिशों और बर्फानी तूफान ने रोज़मर्रा की ज़िंदगी को मफलूज करके रख दिया है। कैलिफोर्निया के जनूबी बुलंद इलाकों से शुरू होने वाला बर्फानी तूफान 2 रोज़ में मुल्क के मशरक की जानब बढ़ेगा और 2 करोड़ से ज्यादा अफराद को शदीद तूफान से खबरदार किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक के रियासत में मौसम की खराबी के बायस 1,26,000 से ज्यादा घर बिजली की सहूलत से महरूम है, जबकि शदीद बारिश के बायस लॉस एंजलिस शहर के बाज़ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। हुक्काम का कहना है कि रियासत के बुलंद मुकामात में कुछ शाहराहें शदीद बर्फबारी की वजह से ट्रैफिक के लिए बंद हैं। इसी तूफान से आज से विस्कॉन्सन, मिशिगन, न्यूयॉर्क और बोस्टन रियासतें भी मुतासर होने की पेशगोई की गई है। माहरीन मौसमियात ने खबरदार किया है कि खित्ते में तूफान आज से एरिज़ोना, टेक्सास, ओक्लाहोमा और कंसास की तरफ बढ़ेगा। नशेबी इलाकों में बारिश और ऊंचे इलाकों में बर्फबारी होगी, जबकि कुछ इलाकों में बगोले भी पैदा हो सकने का इंतबाह दिया गया है। इस तूफान के अमरीका की दीगर रियासतों की तरफ बढ़ने की तवक्को की जा रही है और इस बिना पर हुकाम ने 50 मिलियन से ज्यादा शहरियों के लिए खराब मौसम का इंतबाह जारी किया है। अमरीका की कौमी मौसमियाती सर्विस ने पेशगोई की है कि आज बरोज जुमेरात कुछ इलाकों में 2 फीट बर्फबारी के साथ 95 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। लॉस एंजलिस के करीब अमूमन गर्म रहने वाले इलाकों में भी शदीद बर्फबारी मुतवक्के है। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी।